बाल्डनेस यानी कि गंजापन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके बाद में लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस भी होता है कि उनके बाल झड़ गए हैं, अब वो दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी दोस्त की सलाह लेके अपना कोई ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं ताकि उनके बालों की ग्रोथ फिर से लहराने लग जाए और फिर से वो वैसे ही नज़र आएँ। सो ये मत सोचिएगा कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो पहले से ही सफाचट है, बट इनके लिए मुझे कुछ ट्रीटमेंट लेना है या मुझे ग्राफ्टिंग करवानी है या कुछ भी करवाना है, तो वो करवाना है या नहीं करवाना है वो मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मिनोक्सीडिल यानी कि एक टॉपिकल एप्लीकेशन आती है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या बालों को रीग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहुत बार लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको ना या तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा या फिर उनको किसी तरह का नुकसान होगा। तो मेरा वीडियो सिर्फ उसी चीज़ के लिए है कि अगर आप मिनोक्सीडिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अप्लाई कैसे करना है ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो मिनोक्सीडिल अगर लगाने की अगर आपने सोच ली है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर ली है, तो आपको उन्होंने ये भी बताया होगा कि ये पेशेंस वाला काम है कि एकदम से आज मिनोक्सीडिल लगाओगे और कल सुबह ही आपके बाल ऐसे शाहरुख खान जैसे नहीं हो जाएंगे, उसमें समय लगेगा, कभी कभी 4 से 5 महीने से ज़्यादा भी लग जाता है, यानी कि मिनिमम 4-5 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ता है ये देखने के लिए कि भाई जो है मिनोक्सीडिल का आपके ऊपर असर हुआ भी है या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआती तौर पर जब हम लोग मिनोक्सीडिल लगाना शुरू करते हैं तो बाल झड़ते रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से भाई आप लगाते ही बाल झड़ना भी रुक जाएंगे। लोग कंप्लेंट करते हैं कि बाल नए ना हो गए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो है वो तो झड़े नहीं, लेकिन शुरुआत में आपके बाल झड़ सकते हैं, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो मिनोक्सीडिल यूज़ करने से पहले आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसका मैक्सिमम यूज़ करें। तो सबसे पहली बात, मैं कुछ नई चीज़ नहीं बताऊंगा, जो आप उसके ऊपर लीफलेट होता है उसके अंदर जो पैम्पलेट बना होता है, पर्चा बना होता है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है, मैं उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मिनोक्सीडिल आपको उतनी ही लगानी है जितनी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगानी है कि ये सोच के कि इससे बालों की रीग्रोथ होगी तो दबा के लगाते हैं ज़्यादा बाल रीग्रोथ होंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि स्किन के थ्रू मिनोक्सीडिल आपके बॉडी के अंदर जाएगी, आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल को, ब्लड की जो धमनियां हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिर्फ स्कैल्प पे लगानी है, अगर डॉक्टर ने आपको स्कैल्प पे लगाने के लिए ही प्रिस्क्राइब की है। कई बार कुछ लोग जो है अपनी दाढ़ी पर भी लगाते हैं ताकि दाढ़ी के बाल भी ज़्यादा उग जाएंगे, उससे आपकी जो है डोज भी ज़्यादा हो सकती है और आपको अफेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने ही डोज और उसी जगह पर लगानी है, उससे ज़्यादा या दूसरी जगह पर नहीं लगानी है। जब आप मिनोक्सीडिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन पे कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि कलर करना है, आपको अपने स्ट्रेट करने हैं, तो उस सिचुएशन में तभी करना है जब आपको मिनोक्सीडिल पहले छोड़नी पड़ेगी कम से कम 24 घंटे पहले, और उस प्रोसीजर के होने के बाद में कम से कम 24 घंटे के बाद आपको मिनोक्सीडिल नहीं लगानी है। एक गलती ये भी नहीं करनी है कि ये सोच के कि मैंने पिछले 2 दिन से लगाई नहीं है तो आज उसके डबल डोज कर लेता हूँ, तो वो भी नहीं करनी है। जितनी आपकी रूटीन डोज है उतनी ही लगानी है। और जब भी आप ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले अपने हेड को अच्छे से वॉश करना है और अपने बालों को, स्कैल्प को अच्छे से ड्राई करना है, तभी इन प्रोडक्ट्स को आपको लगाना है। मिनोक्सीडिल जब आपको लगानी है तो आपको अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना है, सुखाना है और उसके बाद लगाना है। अगर आप इसको अपने बालों, गीले बालों पे लगाओगे या गीले स्कैल्प पे लगाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी, काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट फील होगा आपको मिनोक्सीडिल लगाने से। इसलिए अगर आप मिनोक्सीडिल रेगुलरली लगा रहे हैं तो अपना जो टाइम है वो आपको सही से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोने से आपको 2-4 घंटे पहले ये प्रोसीजर करना पड़ेगा ताकि मिनोक्सीडिल सही से अब्जॉर्ब हो जाए और आपको ज़्यादा इरिटेशन ना हो। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप सोने से पहले 2-3 घंटे पहले लगाओगे तो मिनोक्सीडिल बिल्कुल पूरी तरह से अंदर चली जाएगी, आपका जो स्कैल्प है वो भी ड्राई हो जाएगा और आप आराम से सो सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने पिलो पे अगर गीले बालों से जब मिनोक्सीडिल लगी हुई है लगाएंगे तो पिलो के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा और वो आपके आँख पे, नाक पे, उधर भी लग सकता है, तो आपको उससे इरिटेशन हो सकती है। मिनोक्सीडिल लगाने के बाद में कम से कम 4 घंटे तक आपको शैम्पू नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो आपको वो अब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर आपने मिनोक्सीडिल लगा ली है और उसके बाद में ये सोचते हैं कि मुझे कहीं जाना है, ज़रूरी है, और फिर आपने उस पर हेयर ड्रायर लगा लिया यानी कि बाल सुखाने के लिए,
तो उससे मिनोक्सीडिल का कोई असर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि मिनोक्सीडिल लगाना, उसको प्रिस्क्राइब कराना तो आसान है, उसको पूरा मतलब उस शिद्दत के साथ फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार लोग इनमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिससे इसका फ़ायदा भी नहीं होता है। तो लगाने से पहले जो आपके सिर पे बाल है उनको आप जो है उनकी एक मांग अपना अलग से कर लीजिए, लाइन बना लीजिए, उसके ऊपर आपको सीधा नहीं लगाना है, पहले उंगलियों पे लगाना है और फिर उसके ऊपर रब करना है, पहले सेंटर पे और फिर आगे बाहर की तरफ मूव करना है। डॉक्टर से सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात कर लीजिए, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना, कौन सी और चीज़ लगा सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के गैप पे लगा सकते हैं। आखिरी में मैं यही कहूँगा, ये सब बातें फॉलो तो करनी ही करनी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेशेंस है कि कम से कम 4 महीने, अगर 4 महीने के बाद भी अगर आपको इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है तो अपने डॉक्टर से बारे में ज़रूर बात कीजिए। अगर आपको किसी जगह पे इचिंग फील हो रही है और आपको मिनोक्सीडिल लगाने से वो इचिंग बढ़ रही है तो तब तक दोबारा मिनोक्सीडिल मत लगाइए जब तक आपके डॉक्टर से आपका डिस्कशन ना हो जाए। देखिए, सावधानी बरतेंगे तो आपको इसका पूरा फ़ायदा भी मिलेगा, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिक्कत भी होगी। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक मिनोक्सीडिल लगाते रहेंगे तब तक आपकी रीग्रोथ मेंटेन रहेगी, और मिनोक्सीडिल जैसे छोड़ देंगे तो कुछ हफ्ता कुछ महीने के बाद में वो फिर से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मिनोक्सीडिल को टेकअप करने से पहले, ये लगाने शुरुआत करने से पहले आपको सारी चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपके बाल झड़े हैं, बाल उड़ रहे हैं, आप गंजे दिख रहे हैं, आपको फील हो रहा है अपने बारे में, ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है, तो वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। तब ज़्यादा बड़ी परेशानी होगी कि जब आपको लगा कि रीग्रोथ हो रही है और जब आपको छोड़ना पड़ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी जब आप उन्हीं बालों को दोबारा से झड़ते हुए या उड़ते हुए देखोगे। आपको मैं डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया था ताकि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। सो थैंक यू दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये बता के कि देखिए गंजा डॉक्टर बालों के बारे में बता रहा है कि बालों की दवाई कैसे लगानी है। सो जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल।